लटकू पटकू सालो, अगर ये जड़ी बूटी मिल गई ना तो दुनिया को तबाह करके सबसे बड़ा साइंटिस्ट बनूंगा। और फिर तुम साइकिल पे नहीं घूमोगे, हेलीकॉप्टर में घूमोगे। जिंदगी का मजा अलग। अरे परेशान मत हो, अभी तो जरा दिन खराब चल रहे हैं, स्थिति खराब है थोड़ी। साला कितना वजन है तेरे में, झटका पटका। यही वो जंगल है जहां वो लाश को उठा लेगा। फॉलो मी। भाई कितने एकड़ का होगा जंगल? मेरे हिसाब से तो 4-5 एकड़ का होगा। रोहित भाई ये 2-3 एकड़ लगता है। अरे 5 एकड़ है। 3 एकड़ है यार। अरे 5 एकड़ है। 3 एकड़ है। अरे 5 एकड़ है। 3 एकड़ है। तू कभी इसको आया? तू कॉलेज गया? तू गया कभी? ओए ओए रुको सालो, एक बात बताओ, ये जमीन तुम्हारी है? नहीं तो? पक्का? तो फिर तुम्हारे बाप की होगी। नहीं बाप की भी नहीं है। पक्का? तो खानदान में किसी की होगी फिर? नहीं नहीं किसी की भी नहीं है। तो सालो इधर आओ फिर। साइकिल से कितनी जोर से मार रहा है सालो? बात बताओ, जब तुम्हारे बाप दादा किसी खानदान की नहीं है तो फिर लड़ क्यों रहे हो तुम? 5 एकड़ो या 3 एकड़ो सालो, अकल के अंधो लड़की हो रहे हो फिर? चला मेरे पीछे। बात तो सही कह रहा है। अरे लटकू पटकू, सर ये जंगल तो मुझे बहुत डरावने लगता है, ये शेर भी हो सकते हैं। होगा नहीं, होगा शेर। होगा मतलब? हाँ साइंटिस्ट जी, होगा शेर, बिल्कुल होगा। अब एक बात पूछूं तुमसे? पूछो। अगर शेर अचानक आ जाए तो तुम लोग मुझे छोड़ के तो नहीं भाग जाओगे? अरे साइंटिस्ट साहब कैसी बात कर रहे हो तुम? आपने हम दोनों को सड़कों पर उठा के अपने साथ में रख के साइंटिस्ट बना दिया, आपको कैसे छोड़ के जा सकते हैं साइंटिस्ट साहब? और तो और हम तो तुम्हें साइंटिस्ट नहीं मानते, बल्कि आपको अपना भाई मानते हैं। तब तो मुझे कोई डरने की जरूरत ही नहीं है, मेरे साथ तो 2-2 शेर हैं। शेर की आवाज आ रही है, शेर की आवाज आ रही है। और शेर 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 साले कहाँ गए? ये तो मुझसे भी ज्यादा डरपोक लग रहे हैं। इन कुत्तों को सालों को आने दो जरा, तब बताता हूँ। लगता गया दिखे शेर। कहाँ गए लटकू पटकू, कहाँ मर गए सालो? हाँ साइंटिस्ट। कुत्तो साहब तुम्हारी मुझसे भी ज्यादा पड़ रही है, तुम तो अपने आप को शेर बता रहे थे। शेर नीचे उतर के आया। साइंटिस्ट आया। साइंटिस्ट ने तो मरवा दिया, लगता है पिजवाड़ा टूट गया। साइंटिस्ट झटका, तुम्हें क्या लगता है हम शेर के डर से पेड़ पे बैठे थे? गलत, हम तो इस वजह से पेड़ पे चढ़े थे ताकि शेर आए तो उसे दबोच ले, क्योंकि हम दोनों भाई शिकारी हैं ना। अरे कुत्तो तुम दोनों शिकारी नहीं सुअर हो, साला तुमसे आज तक मच्छर तो मरा नहीं, शेर मारने की बात कर रहे हो? मुझे लगता है वो लाल पेड़ ऐसे नहीं मिलेगा, हमें तुम्हें तीनों दिशा में जाना पड़ेगा। चल तू इधर जा और तू इधर जा, मैं इधर देखता हूँ। अरे साला तुम, मुझे लगा कोई जंगली जानवर आ गया। साला तुमने तो डरा ही दिया,
मिला तुम्हें लाल पेड़? सेंटी साहब पूरा जंगल छान मारा, कहीं लाल पेड़ नहीं दिखाई दिया, पर हाँ एक नीला पेड़ दिखा। नीला पेड़? हाँ। साला ये समझ में नहीं आ रहा। ए तूने सही से पढ़ा था ना, उसमें लाल पेड़ लिखा था या नीला पेड़ लिखा था? तुम उसमें क्या कर रहे हो? बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था BLUE, ब्लू। ब्लू मिस लाल। साले कुत्ते। अच्छा एक बात बता रहे, ब्लू माने क्या होता है? लाल। अबे इधर आ। साले ब्लू का मतलब लाल होता है लाल, नीला होता है नीला। साले कैसे कैसे जाहिल लोग पड़े हैं। चल ले पेड़ दिखा, कहाँ है वो? सेंटी साहब ये रहा वो पेड़। चल जा रहे, कर ले गैस की। क्या हो गया रहा? क्या हो गया? सेंटी साहब पेड़ करंट मार रहा है। ओए तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो? जड़ लेने आए हैं तुम्हारी? जड़ ऐसे नहीं मिलेगी, जड़ लेने के लिए तुम्हें 3 सवाल का जवाब देना होगा। हम तीनों बहुत इंटेलिजेंट हैं। चुप साले, हम तीनों नहीं सिर्फ मैं, तुम पूछो सवाल। एक बुढ़िया को नदी के उस पार आटा पिसवाने जाना है, तो बताओ वो नदी के पार कैसे जाएगी? बस इतना आसान सवाल, इसका जवाब तो मैं ही दूंगा। इसका जवाब तो मैं दूंगा। सेंटी साहब इसका जवाब मैं दूंगा, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। तुम रुको जरा, बस बुढ़िया नाव पर चढ़कर आटा पिसवाने चली जाएगी। गलत जवाब। अरे मूर्ख, आटा भी कोई पिसवाता है क्या? आटा पहले से ही पिसा हुआ होता है। अरे यार एक ऑप्शन गवा दिया। सेंटी साहब अपने पास अभी 2 ऑप्शन है, इसने तो एक तो खराब कर दिया, एक बार आप किसी मुझे मौका दो, मैं बोलता हूँ। तुम्हें भरोसा नहीं है मेरे ऊपर? मेरे साहब पूछो दूसरा सवाल। दूसरा सवाल ये, रामू के माँ के 3 बेटे थे, एक का नाम था आला, एक का नाम था बाला, तो बताओ तीसरे का नाम क्या है? सीधी सी बात है, आला बाला के बाद में काला ही आगा। अबे तेरा पिछवाड़ा काला, तीसरा बेटा रामू खुद होगा। साले कुत्ते, उन्हें दूसरा चांस भी गवा दिया, अब मुझे बोलने दे। थोड़ा थोड़ा यार अभी बच्चा आई है। अरे यार इतना कठिन तो सवाल पूछ रहा, तुम पूछो जरा इससे। अच्छा तुम पूछो सवाल। तीसरा सवाल, वह ऐसी कौन सी चीज है जिसमें आग भी नहीं लगती है फिर भी उसे बुझाना पड़ता है? अरे यार साला इसका सवाल सुन के तो मुझे प्यास लगने लगी। बिल्कुल सही जवाब, अब तुम जड़ी ले जा सकते हो। देखा तुमने जाहिलो, चल जा जड़ी लेके इसकी। लो सेंटी साहब जड़ी बूटी। देखा तूने, अब मिल गई मुझे जड़ी बूटी, अब मैं बनाऊंगा दुनिया का सबसे खतरनाक वायरस, यानी सबसे खतरनाक जहर। ए, कौन हो तुम लोग? सरदार का कहने का मतलब है हम लोग जानवर हैं। सरदार का कहने का मतलब है हम लोग जंगली हैं। ओहो जंगली मैन हो तुम लोग, यहाँ किस लिए आए हो? बस कुछ नहीं, ये जड़ी बूटी लेने के लिए आए थे। तुम सब लोग बिना मेरे इजाजत के कैसे जड़ी बूटी ले आ सकते हो? अच्छा तो अभी इजाजत ले लेता हूँ। भाई साहब क्या मैं जड़ी बूटी ले जा सकता हूँ? अच्छा ये बताओ इस जड़ी का करोगे क्या तुम लोग? इस जड़ी का मैं सबसे खतरनाक जहर बनाऊंगा जिसका कोई इलाज नहीं है। अच्छा तो तुम्हें इस जड़ी के बारे में कैसे पता चला और तुम लोग इससे जहर कैसे बनाओगे? और तुम लोग हो कौन? हम लोग
साइंटिस्ट है साइंटिस्ट। ओहो तो तुम साइंटिस्ट हो। वैसे ये साइंटिस्ट होता क्या है? अबे साइंटिस्ट वो होते हैं जो नई नई चीजों का आविष्कार करते हैं। पर आविष्कार जो करता है वो तो मास्टर होता है। अबे वो तो पढ़ाता है। oh, no. अच्छा ये सब छोड़ो, ये जो तुम जहर बना रहे हो इससे क्रिस तो मर जाएगा ना। इम्पोर्टेंट बात कर रही है, हमें तुम अपनी पढ़ी इधर। अरे इससे क्रिस क्या, दुनिया में कोई भी मर सकता है। हटो तेरे को। पर इसका जूस कैसे निकालते हैं? इसका जूस निकालने के लिए बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। इसको साउथ कोरिया की ओर रखकर 90 डिग्री एंगल डालने के बाद। सब बातें छोड़, अभी ये बता के इसका जूस कैसे निकलेगा? कुछ नहीं, बस इस बोतल को निकालो और इसमें ऐसे निचोड़ दो। ये देखो, ये लो, बन गया जूस। जा रहे ज्यादा जूस लेकर जल्दी से। ओहो तो ये है जिससे क्रिस का जूस निकालेंगे हम। एक बात बता रहे, जहर तो मिल गया, अब क्रिस को कैसे बुलाएं? क्या करना पड़ेगा उसको बुलाने के लिए? वो तो कहावत सुनी होगी तुमने, चूहे को बिल से निकालने के लिए 4 डालने पड़ता है। नहीं हमने तो नहीं सुनी ये कहावत, और चूहा तो हमने बिल से कभी निकाला ही नहीं। अरे जाहिलो सिंपल सी बात है, जब तुम किसी को मारोगे तो क्रिस खुद ही चला आएगा। ओहो तो ये बात है, अभी रुको जरा। मिल गया क्रिस को मारने वाला जहर। अगर मैंने क्रिस को धूल ना चटाई हो तो मेरा नाम भी छोटा चेतन नहीं सरदार, तुम्हारी क्रिस को देख के फटी है फट। मेरी फटी है, अगर इस बार क्रिस आ जाए ना तो कसम खुजली वाले कुत्ता की इन्हीं हाथों से पैर पकड़ के आशीर्वाद लूंगा। यहाँ फिर से तुमने किसी को मार दिया क्या? अरे यहाँ तो वो कुत्ता मरा था। तो ठीक है फिर मैं चलता हूँ। अरे क्रिस भाई सुन तो लो, आप दिन भर मेहनत करते हो, थक जाते हो गए, तो मैंने आपके लिए एक शानदार जूस बनाया है, इसे पी लो। इसे पीने के बाद बहुत ताकत आ जाएगी। सच में? हाँ बिल्कुल, लाओ फिर। सरदार 10 मिनट हो गए, अभी कुछ नहीं हुआ। रुक अभी असर करेगी। अरे क्रिस कुछ असर हुआ? हाँ हाँ हो रहा है असर, काफी फुर्ती से दिखाई दे रही है। अरे क्रिस कुछ हुआ या नहीं? हाँ हाँ काफी ताकत लग रही है। सरदार एक घंटा हो गया, कुछ असर नहीं हो रहा। अरे क्रिस कुछ तो वाला असर हो रहा कुछ है। कहा ना मैंने कि काफी एनर्जी लग रही है। अबे तू एक बात बता, रो क्यों रहे हो? रो इसलिए रहे हैं कि सरदार ने आपको जहर वाला जूस पिलाया था, आपको कुछ नहीं हुआ तो इसलिए रो रहे हैं। क्या तुमने जहर पिला दिया? अरे नहीं नहीं क्रिस भाई, वो तो मैंने दवाई पिलाई थी। मैं चेक कर रहा था कि आपको कुछ असर हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है फिर मैं चलता हूँ। बच्चा लेकर आया तो पानी फेर दो यार, चलो उठे यहाँ से। सरदार माफ कर दो, गलती ना होगी। तुमने वो कहावत तो सुनी होगी, जब कभी सीधी उंगली से घी ना निकले तो क्या करना चाहिए? टेढ़ी कर लो सरदार। अरे टेढ़ी नहीं, चम्मच से निकाल लेना चाहिए। अरे सरदार डिब्बे में हाथ डाल के घी निकाल सकते हो तुम। अरे तुम भी घी के पीछे मर जाओ, चलो चल के क्रिस को मारेंगे। हे गाइस, तो वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और जिसने पहला पार्ट नहीं देखा उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाइए और जाकर देखिए। काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मिला था उस वीडियो पर, जाइए और जाकर देखिए। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ बहुत जल्द। ओके बाय।